नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। दिल्ली के राजपार्क थाना इलाके के मंगोलपुरी में युवक को झगड़े का बीच बचाव करना पड़ा भारी। इलाके के वर्चस्व को लेकर किया हंगामा। बदमाशों ने दो सगे भाइयों को चाकुओं से गोदा, एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। स्थानीय लोगों और परिजनों ने पुलिस कार्यवाही से नाराज होकर किया आउट रिंग रोड जाम। कई घंटे लगा रहा ट्रैफिक जाम। दिल्ली पुलिस के कई इंस्पेक्टर के समझाने और मीडिया के पहुंचने के बाद खुला जाम। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर पिस्तौल भी की बरामद। मामले की जांच में जुटी है राजपार्क थाना पुलिस। पेशे दिल्ली से राजीव तिवारी की खास रिपोर्ट। अंकल जी, नाम बताएं अपना और क्या कुछ घटना हुई इस बारे में। मेरा नाम अशोक है। मेरा गोरा काला दुकान लगाते हैं चिकन की, कोई फट्टा गिरा हुआ पक्की दुकान, वो भी हमने किराए पे ले रखी है। बच्चे सुबह शाम को जाते हैं, रात को 9-10 बजे अपने घर आ जाते हैं। उधर से 30-40 लड़के आए, हमें नहीं पता कि किसका झगड़ा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हमारे बच्चे खड़े हुए थे, उन्होंने अपना डर के मारे चापर अपना तिरपाल के नीचे को छोड़ दिया। उन्होंने आते मेरे बच्चे को तो गोली चला रहा, कोई चक्कू मार रहा, कोई पत्थर मार रहा, कोई डंडे मार रहा। एक मेरे बेटे का तो नासी कर दिया, छोटे बेटे का काले का तो नासी कर दिया, उसका साथ चक्कू मार दिए। यहाँ का मुझे चक्कू का नहीं पता कि मेरा बेटा कहाँ गया है। आने में संजय गांधी वहां ले जाता। अच्छा, उसके बाद में पुलिस बेटे के लगी छोटे के, उसके चक्कू मारा फेंक के। तो उसके बाद में बेटा भी गया अस्पताल में, मेरा बेटा छोटा रिस्पेयर हो गया था। उसके बाद में कोई पुलिस वाला यहाँ छोड़ने नहीं आया मेरे बच्चों को, कि रास्ते में कभी कोई और कोई दूसरा हार कास्टर हो सकता है। इनके साथ के अंदर कोई पुलिस वाले सारे बिके हुए हैं। ये कमीन के बच्चे, बहन के लड़के, बच्चे काड़े लूलो होंगे, इनके बच्चे काड़े लूलो होंगे, इनके बच्चे काड़े लूलो होंगे। ये गरीबों का साथ नहीं देते, ये पैसे वाले की तरफ झुकते हैं। ये जितनी हमारी दिल्ली की पुलिस है, ये हमारे केजरीवाल इंसान फिर भी लाख गुना सही है। उस केजरीवाल के पीछे भी पुलिस वाले हाथ धोके पड़े हुए हैं, फिर भी ये फट्टे वाले से किसी 1000 ले रहे, किसी से 500 ले रहे हैं। केजरीवाल ने नहीं कर रखा कि किसी फट्टे वाले से पैसा ना लो, तो फिर भी हम चोर छिपा देते हैं। अभी इसमें आपके कितने बेटों की बेटी की भूख लगी, एक बेटा खत्म हो गया छोटा काला, और दूसरे बेटे का दूसरा बेटा गोरा वहाँ पर है, उसके यहाँ चप्पू लगे हुए, उसके चप्पू लगे पर वहाँ से सुबह से चप्पू देख रहे नहीं आप। पुलिस वाला कितने टाके आए, उसके टाके 5-6 टाके आए, उसकी पट्टी बंदी बोलते पट्टा बना उसके। तो कब की ये घटना है, क्या कब का ये हुआ? ये हुआ 9:30 का, 9:30 और ये 9:30 और 9:15 के बीच में। क्या नाम है आपका? अशोक। अशोक जी, क्या हुआ है आपके? ऐसा हुआ जी, मेरे बच्चे 8-10 साल से काम नहीं कर रहे। क्या करते हैं बच्चे? मुर्गे की शॉप है, छोटी दिया लगाते हैं आप? ठीक है। तो ऐसा हुआ कि 9 बजे तो मेरा बच्चा मेरे पास आए, पापा दुकानदारी के सिलसिले में काम हल्का है, नया साल में काम गया। वहाँ से जाने के बाद में वहाँ चला गया, जाने के बाद में ये इधर से गए, इस चौक से जाते जाते इन्होंने जितनी गाड़ी थी सारी गाड़ी और उधर चले जाओ, बाकी इनका मेला बनवा रहे हैं। तो मैं भाग गया, मेरे बच्चे गए छोटे वाले को, उसके साथ चक्कू मारे। यहाँ वाला काम खराब हो गया, बस यहाँ मार रखा। मैंने सोचा उसके हाथ में बालाजी ले आता मेरा बच्चा। कितने आपके दोनों बेटे को चाकू लगे? एक की डेथ हो गई है, एक तो खत्म हो गया, एक खत्म हो गया। एक क्या नाम है जिसकी? तो क्या कौन लोग थे, जानते हैं आप लोग कौन थे? बोलो नाम बताओ, कौन लोग हैं, जानते हैं आप लोग? बोलो बोलो बोलो, आप बोलो। उसका पापा है यहाँ पर, राकेश जानी वाला, उसके सारे उसके लड़के, दोनों लड़के और उसके साथ 100 लड़के अलग थे। बहुत भीड़ थी, खुद जाके बैठ गया चौकी में और अपने बच्चों को सबको भगा दिया। 5 मर्डर केस पहले है उसके ऊपर, वो इतनी गुंडागर्दी करता है और यहाँ कोई पुलिस का ताना बाना नहीं है और अभी तक होश नहीं है। दीपक, क्या हुआ है बताया? सर पता नहीं, हमें कुछ नहीं पता क्या था क्या नहीं था। जी बताएं। मेरी हम रोजमर्रा की तरह काम कर रहे थे जी,
हमारी मेरी शॉप है, इनकी मेरे बिल्कुल जस्ट सामने शॉप है। हम काम कर रहे थे आराम से रोजमर्रा की तरह, कम से कम 101 लड़के आए, सबके हाथ में हथियार थे, सबके हाथ में चाकू पिस्तल, हर ईंट पत्थर जो जिसके हाथ में आया उनने वो मारी। अच्छा, उसको मारे सबके पूरे चाकू पूरे मारे, गाड़ी तोड़ते हुए गए। उसका जब काउंटर फेंकने लगे, उनने सिर्फ अपना काउंटर रोकने के लिए उसको पकड़ लिया बस, और उसके इसी बात पे उन्होंने चाकू मारे, दोनों भाई सात चाकू मारे, गोली मारी, उसको गोली उसके लगी नहीं, बच गया बड़ा वाला।